एडवोकेट किन्नी फातिमा बलोच साहिबा मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम ये बताइएगा कि आज आप बलोच कम्युनिटी के साथ इजहार यकजहती के लिए आई हैं, क्या कहना चाहेंगी? दूसरा, उस रात जब यहाँ पे ये पहुँचे, पहले तो इस्लामाबाद में इनका बहुत बुरी तरह इस्तकबाल किया गया, क्या कहना चाहेंगी इस वाले से? सब मजम्मत करते हैं, पूरा इस्लामाबाद मजम्मत करता है, आपके सारे कोर्ट्स मजम्मत करते हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल, इस्लामाबाद बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, सब मजम्मत करते हैं। सब ने यहाँ तक नोटिफिकेशन भी जारी किए थे और अब इनकी बेल्स भी जारी हो गई हैं। जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी राइट्स हैं उनके लिए खड़ी है, हमेशा खड़ी और खड़ी रहेगी। आपको मुस्लिम बरादरी से भी, मैं क्योंकि खुद बलूच हूँ, तो ये आज से नहीं बैठे हैं आप लोग, तो अब आ रहे हैं ना, जब से ये एक वाक्य हुआ है ये आज से नहीं बैठे, ये महीने से बैठे हैं। और यही औरतें आज ये पहली बार इस्लामाबाद नहीं आई हैं, इनकी तीसरी बार है इस्लामाबाद आना। इनका सिर्फ ये मौकफ है कि आप बेशक हमें लाशे दें, स्टेटस बता दें कि अगर देखें कोई मिसिंग पर्सन होता है तो आप जब हिरासत में लेते हैं, अरेस्ट करते हैं, डिटेन करते हैं, टेंशन में आता है तो आप उसको मैजिस्ट्रेट के पास पेश करते हैं। बस यही कहते हैं कि जो भी क्राइम किया इन्होंने, जो भी इन्होंने गुनाह किया है, आप उसको सामने लेके आए, कोर्ट में पेश करें और इनका कोई मौकफ नहीं है, बस स्टेटस बता रहे हैं। शायद बिल्कुल पूरा तरीके से इनके ऊपर हम बलोच और वफादार को है। बलूचिस्तान बहुत बड़ा सूबा है, पूरे मुल्क का बहुत बड़ा सूबा है और सबसे अमीर सूबा है। वहाँ पर हर तरह का मिनरल, सोना, हर चीज़ वहाँ मौजूद है, लेकिन आपने इनके हालात देखिए, कोई भिखारी नहीं है, ये शहरी है इस मुल्क के, तो बस यही है कि इनको इनका राइट। अच्छा अच्छा मैम, ये बताइएगा कि किस नज़र से, कानूनी नज़र से अगर बात करें तो इस मुल्क को, लोगों के साथ जो मुल्क की शहरी हैं, इस मुल्क का हिस्सा है ये सूबा बलूचिस्तान, इन पे तशद्दुद करके, इनको, इनके साथ नारवा सलूक करके ये मुल्क को किस दहाने पे लेके जाया जा रहा है, आप क्या समझती हैं? बस ये कि आप आगे जितने भी लोग हैं आप इसका हल सोचें कि आप किसी तरह से नेगोशिएशन हो। ये लोग आए हैं, ये लोग सिर्फ इसलिए आए हैं कि ये अपने प्राइम मिनिस्टर से बात करें, सुप्रीम कोर्ट से बात करें, ये चाह रहे हैं कि इनको जिन्होंने रिपोर्ट्स किए हुए हैं गुमशुदगी के, उसका इनको मौकफ मिले, जवाब मिले। ये बालाज लड़का जिसको कोर्ट के रिमांड में कत्ल कर दिया गया, कोर्ट ने पुलिस के हवाले कस्टडी की और 3 दिन बाद उसकी लाश मिल रही है, वो भी इतनी बुरी तरीके से, तो बस इसी आई है कि जो भी है आप हमें इंसाफ दें। अब जिस बंदे ने, आप उसकी इंक्वायरी की जाए कि वो पुलिस वालों के पास कैसे मर गया, ये नहीं कि भागता हुआ वो भाग रहा था, तो हालात करके बलोच है और भागने वाली कौम ही नहीं है इस मुल्क में। आज तक हम बैठे हुए हैं तो इसीलिए बैठे हुए हैं और आगे भी हम जितने शहरी हैं ना, सबकी तरह उतने ही शहरी हैं, तो बस यही आप सबसे कि सपोर्ट करें। यहाँ पे औरतें बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, इनके लिए आए आप, निकले बाहर। ये औरतें इनके 12-12, 10-10 साल से, एक यहाँ पे ऐसी औरत है जिसका बच्चा 3 दिन का था, आज उसका बच्चा 9 साल का हो गया। ऐसी औरत है जिसका भी बच्चा पैदा होने वाला था, आज वो बच्चा बड़ा जवान भी हो गया। ऐसी माएँ हैं जो 2012 से ऐसे रुल रही हैं सड़कों पर, क्या इनकी ये आपने तजलील की है? इन्होंने ये बेरुमती हर कौम की माँ बेटी की है, सिर्फ इनकी नहीं है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, तो ये एक एक को आवाज़ देंगी ना तो बहुत मसला हो जाएगा। उनका तल्लुक बलोचिस्तान है, उन्होंने तो रात को भी ये ट्वीट करके कि डॉक्टर मारंग बलोच एक दहशत गर्द है, ये सरफराज ने रात को भी ट्वीट किया, इस पर क्या कहेंगे? और दूसरा वो कहते हैं ये अपने घर वालों से नाराज होकर कराची चले जाते हैं, बाद में अपना नाम मिसिंग पर्सन की लिस्ट में डलवा देते हैं। चले इस तरह करें, जो मिसिंग पर्सन में लिस्ट है ना, जो आप लिस्ट भी ले आए हमारे सामने रख दें और हमें बता दें कि उसकी वो लोग किधर हैं, वो आप हमें बाजियाब कर दें, अरेस्ट करके बेशक सामने ले आए, वो ले आए लोग। बहुत शुक्रिया।